हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज योर मैथ्स क्लास। वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। इट मींस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द मल्टीप्लिकेशन कैन बी कैरिड आउट ऑन द नंबर लाइन। मीन्स के हम नंबर लाइन से मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, हेयर यू कैन सी नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 20। ओके, सो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? यस स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई टेल यू मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। स्टूडेंट्स, व्हेन आई टीच यू टेबल्स, देयर आई एक्सप्लेन यू रिपीटेड एडिशन। मीन्स व्हेन वी एड वन सेम नंबर फॉर मैनी टाइम्स, लाइक 3 + 3 + 3 + 3 + 3, इट इज नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर adding 3 how many times? 1 2 3 4 5, we are adding 3 of 5 times, hai na, we are adding 3 5 times, hum 3 ko 5 baar add kar rahe hain, it calls repeated addition. And when we add 3 5 times, the answer will be, and in multiplication form we like this, sorry, 3 multiply by 5 or 5 times 3, sorry, it can be write like this, 5 times 3 means हमने 3 को 5 times लिखा है, तो जब अब आपको ये table form में आ गया, it calls multiplication. So 5 threes are, if you remember, learn the tables, you will learn 5 threes are 15. It is called repeated addition. The same answer will here when we add 3 5 times. ठीक है, जब हम 3 को 5 time add करेंगे तब भी हमारे पास 15 आएगा, और table form में, multiplication form में हम इसे इस तरह से लिखते हैं, 5 times 3. Okay, 5 times 3, 1 2 3 4 5. 5 times क्या लिखा है हमने? 3. It's called 5 times 3. ठीक है, एंड आंसर विल बी 15. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन. सो मल्टीप्लिकेशन, व्हाट मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड? मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन को ही रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं. ठीक है, आप समझ गए ना? अब मैं आपको बताऊंगी कि नंबर लाइन पे हम रिपीटेड एडिशन किस तरह से निकालते हैं. वी विल जम्प the number in many steps. ठीक है, so now we here the first question is 2 multiply by 4 means 2 times 4 means we will jump 4 numbers 2 times. ठीक है, we will skip 4 numbers 2 times. Now so 2 times 4 इज इक्वल टू, अभी इधर देखेंगे. ठीक है, ऑन द नंबर लाइन आई विल शो यू. सो वी विल जम्प 4 नंबर्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4. फर्स्ट नंबर इज हेयर, सो फर्स्ट वी विल जम्प 0 to 4. दिस आर्क जम्प फ्रॉम 0 to 4. आर्क मीन्स जो ये हाफ सर्कल बन रहा है, इसको हम आर्क बोलते हैं. ठीक है, सो दिस आर्क जम्प 0 to 4. नाउ इट इज, we jump 4 numbers and it is first jump. ठीक है, हमने 4 numbers को jump किया और ये हमारा first jump है. Now how many times we jump? We jump 2 times. So again we will jump 4 numbers. So we will count from here next 4. 4 से आगे हम 4 numbers count करेंगे, 1 2 3 4. So now we will jump from 4 to 8. This is our second jump and the number will be same, 4 4
फोर नंबर हमने यहाँ पर जंप किए एंड फोर नंबर्स को हमने यहाँ पर जंप किया. ओके और कितने जंप्स हमने लिए? 1, 2. सो फाइनल आंसर विल बी 8. मीन्स 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 8. मतलब अगर हम फोर नंबर्स को 2 टाइम जंप करेंगे, 4 4 नंबर्स का 2 टाइम जंप करेंगे तो वी विल गेट आंसर 8. तो वी विल राइट हेयर 8. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 3 टाइम 6. 3 टाइम 6 इट मीन्स नाउ वी विल जंप 6 नंबर्स हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स. वी विल जंप 6 नंबर्स हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी काउंट फ्रॉम हेयर. 0 वी विल लीव, देन 1 2 3 4 5 6. ओके सो 0 to 6 वी जंप हाउ मेनी नंबर्स? 6. 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट जंप इज 0 from 6. इट इज आर फर्स्ट जंप. देन सेकेंड जंप अगेन 6. वी विल काउंट 6 नंबर्स नेक्स्ट. 1 2 3 4 5 6. सो अगेन 12. दिस इज आर सेकेंड स्टेप. देन अगेन 6 नंबर वी विल जंप. 1 2 3 4 5 6. दिस इज आर थर्ड जंप. सो स्टूडेंट वी विल जंप स्टेप ईच स्टेप टिल यू रीच द आंसर. ओके सो हाउ मेनी स्टेप्स यू टेक? 1 2 and 3. सो 3 टाइम्स एंड इन ईच स्टेप वी स्किप 6 नंबर्स. ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स वी टेक? 1 1 1 2 and 3 एंड इन ईच स्टेप वी स्किप 6 नंबर्स. ठीक है, और हर जंप में हर स्टेप में हमने 6 नंबर्स को स्किप किया. 1 से लेके 6 यहां पर, फिर 7 to 12 6 नंबर्स यहां पर, देन 12 to 18 6 नंबर यहां पर. सो 3 times 6 विल बी फाइनल आंसर. हम कहां पहुंचे यहां पर? 1 8 18. एज यू कैन सी 1 8 18. सो 3 times 6 विल बी 1 8 18. दिस इज हाउ कैन वी वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4 times 4. नाउ बोथ नंबर्स आर सेम. 4 times 4 मीन्स वी विल टेक 4 steps हाउ एंड वी विल स्किप 4 नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, 4 steps लेंगे एंड 4 नंबर्स को ही स्किप करेंगे 4 steps में. ओके सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर. 1 2 3 4. फर्स्ट स्टेप इज 1, फर्स्ट स्टेप. देन नाउ काउंट 4 ऑनवर्ड्स, 4 नंबर्स. 1 2 3 4. सो सेकेंड स्टेप, देन 1 2 3 4. थर्ड स्टेप, देन 1 2 3 4 एंड लास्ट इज 4 स्टेप्स. तो नाउ 4 times 4. सो स्टूडेंट्स नाउ 4 times 4 मीन्स वी विल हाउ मेनी स्टेप्स विल वी टेक? 1 2 3 and 4. ओके हमने कितने स्टेप्स में जंप किया है? 4 स्टेप्स में. एंड हाउ मेनी नंबर्स वी स्किप? 4 4 4 and 4. हमने 4 4 नंबर को स्किप करते हुए हमने कितने जंप्स किए? 1 2 3 4. ठीक है, 4 4 नंबर्स को हमने स्किप किया, छोड़ा, और हमने कितने जंप किए, स्टेप लिए? 1 2 3 4. सो द फाइनली वी रीच्ड एट द नंबर 1 6 16. सो 4 times 4 विल बी 16. ओके सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके नेक्स्ट इज 7 times 2. 7 times 2. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल टेक 7 स्टेप्स एंड स्किप 2 2 नंबर्स इन ईच स्टेप. सो लेट्स सी हाउ विल वी डू. वी विल काउंट फ्रॉम हेयर.
we will count, we will skip two numbers, 1, 2. So first step, 1, 2. Second step, 1, 2. Third, 1, 2. We are skipping two numbers, 1, 1, 2, 1, 2. We are stepping two numbers, 1, 2. So how many step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, good. We take 7 steps, like you can see in this question, 7 times 2, and we skip two numbers in each step. Kitne numbers ko humne skip kiya? Two numbers ko. Okay, and finally we reached at the number of 1, 4, 14. So 7 times 2 will be 14. 7 times 2 will be 14. So student, this is how we can carried out multiplication by the number line. Okay students, now on the explanation of this topic, today I am giving you the worksheet. Let's see how will you do that worksheet, and you will do it yourself. Okay, so let's see. So students, as you can see, this is your worksheet. First of all, your submission date is 15th of December 2020, and before you start your homework, you will write the date on the top, and then the question is, use the number line to find the following. ठीक है, आपको ये जो multiplication facts दिए हैं उनको उनको जो है solve करने के लिए number line का use करना है. Here you can see one number line from 0 to 20. ओके, 0 से 20 तक आप यहां पर नंबर लाइन देख सकते हो. राइट, देन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 times 5. 3 times 5 मींस वी विल टेक 3 स्टेप्स, हाउ एंड वी विल स्किप 5 नंबर्स. हाउ मेनी नंबर्स वी विल स्किप? 5. सो लेट्स स्टार्ट. We will skip 5 numbers. So we will start from here. 1, 2, 3, 4, 5. First step will be from 0 to 1. This is your first step. Okay. Then now again 5 numbers. We will jump 1, 2, 3, 4, 5. Then second step. Okay. Then 1, 2, 3, 4, 5. It's your third step, and you will reach the final answer. The final answer will be 1, 5, 15. So 3 fives are 15. This is how you can do multiplication by number line. Now second question is 2 times 9. 2 times 9, it means we will jump 2 times, and we will step in every jump we will skip 9 numbers. Okay, so we will start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So first jump will be 0 to 9. This is our first jump. This our jump from 0 to 9. Then second jump also of 9 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So second jump will be 9 to 18, and we will reach final answer, that will be 18. So this is our first jump and this is our second jump. First jump and second jump. Okay, and in each jump we skip how many numbers? 9. 9. In both steps we skip 9 numbers. Okay, so answer will be 18. 2 9s are 18. 18. Okay students, so next one is 4 times 5. 4 times 5, if you learning the table at home, you know 4 times 5 will be 20. But first we will do it in on number line. Okay, so it means we will jump 4 times
एंड वी विल स्किप 5 नंबर्स इन ईच जंप. ओके, सो हम 4 जंप्स लेंगे, बट हर जंप पे हमें कितने नंबर स्किप करने हैं, छोड़ने हैं? 5. सो वी विल काउंट फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट जंप फ्रॉम 0 to 5, देन अगेन नेक्स्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट 5, देन फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, अगेन नेक्स्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5, एंड दिस इज योर थर्ड जंप एंड 5 नंबर्स इन ईच जंप. नाउ वी विल नेक्स्ट काउंट नेक्स्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5, एंड लास्ट जंप इट्स फोर्थ जंप एंड इन ईच जंप वी स्किप 5 नंबर्स. तो फाइनल आंसर्स विल बी 20. 2020 फाइनल आंसर विल बी 2020. सो 4 टाइम 5 will be 20. Okay, students. So next is 8 times 2. 8 times 2 means we will take 8 steps and each step we will skip 2 numbers. Okay, we will take 8 steps and we will skip 2 number in each step. So we will count from here 1, 2. First jump 1, 2. Next 2 numbers. Second, 1, 2. Third jump, 1, 2. Fourth jump, 1, 2. Fifth jump, 1, 2. Sixth, 1, 2. Seven, 1, 2. And it's 8th. Now, we take 8 steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And each step we skip 2 numbers. Kitne numbers humne skip kiye hain har step mein? 2 numbers. Okay students, is it clear to you? Now final answer will be 1, 6, 16. As you can see, 1, 6, 16. फाइनल आंसर विल बी 1, 6, 16. सो 8 times 2 विल बी 16. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन कैरीड आउट मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप इस नंबर लाइन के मेथड को घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपको ये सम नंबर लाइन के थ्रू करना आते हैं या नहीं आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उसके लिए आपको पहले जो है वो आपके टेबल्स लर्न होने चाहिए, तभी आप ये नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ इन सम्स को कर सकते हैं. अगर आपको टेबल्स लर्न होंगे तब आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है, राइट है और रॉन्ग है. ठीक है, अगर आपको टेबल लर्न नहीं होंगे तो आप अपने आंसर को जो है वेरीफाई नहीं कर सकते और नहीं पहचान सकते कि वो ठीक है या गलत है. ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट इन योर नोटबुक एंड सबमिट इट इन योर टाइम. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को भी फॉलो कर रहे होंगे. और क्या क्या है वो बिहेवियर्स स्टूडेंट्स, एक बार लास्ट में मैं आपको वो रिवाइज करा देती हूँ. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें फॉलो करने हैं, दैट इज फर्स्ट इज वेयर मास्क. हमें जब भी घर से बाहर जाना है हमें मास्क पहनकर जाना है, और आपके साथ जो भी जा रहे हैं उन्हें भी मास्क पहनने के लिए आपने बोलना है. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज फिजिकल डिस्टेंसिंग. जब आप किसी भीड़ वाली जगह में जाएंगे या जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां पर आपको लोगों से दूरी बना के रखनी है, पास पास में खड़े नहीं होना है, दूर दूर खड़े होना है, कम से कम आपको 1 hand का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड वन इज मेंटेन हैंड हाइजीन. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, आपको साबुन और पानी से अपने हाथों को 20 सेकेंड्स के लिए बार बार रगड़ रगड़ के इस तरह से धोना है अच्छे से, ताकि जो आपके हाथों में जर्म्स हैं या जो आपके हाथ डर्टी हो रहे हैं वो एकदम से क्लीन हो जाएं. ठीक है, और अगर आप
अगर आप घर से बाहर हैं या ऐसी जगहें जहां आपको सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप क्या करेंगे, आप अपने साथ सैनिटाइजर रखेंगे हर टाइम, और सैनिटाइजर से अपने हैंड्स को वॉश करेंगे ताकि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएं और उनमें किसी तरह का कोई जर्म्स वायरस ना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप डर्टी हैंड्स के साथ अपने अपने आईज ना नोज और माउथ को टच करते हैं तो उससे हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमने डर्टी हैंड्स के साथ अपने आईज नोज और माउथ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और अपना फूड और अपनी ड्रिंक्स को हमें दूसरों के साथ भी शेयर नहीं करना है, और दूसरों की जूठी फूड और ड्रिंक को भी हमें यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो दीज आर सम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दीज बिहेवियर्स, ओके, सो दैट वी कैन बी सेफ। ओके, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।